चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम हो गया जी अनदर व्लॉग के अंदर। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, फिट फाट हैं। जैसे कि आपको बताया था बरात वाले व्लॉग में कि आज शाम को वलीमा है और शाम को हम नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे, तो आज हमने नया व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। खैर अब चलते हैं वही दुल्हन के घर। अब तो वो रुख्सत हो गई है, तो अब वो दुल्हन का घर नहीं है, अब वो वाला दुल्हन का घर है जो उसका ससुराल है। खैर अभी हम जा रहे हैं दुल्हन के मायके, तो अब उधर जाके सबसे मिलते हैं। तो जैसे ही हम दुल्हन के मायके पहुंचे तो बहुत लेट हो चुकी थी, तो हम फिर निकल गए। रास्ते में मैंने छोटे से क्लिप बनाए, आज हमारे साथ फैजी मामू जा रहे हैं तो उनके साथ मैं फिर ब्लॉग स्टार्ट करूंगा। तो हम जैसे ही हॉल में पहुंचे हैं, हॉल इतना दूर था, डेरी मार्की नाम है, हॉल हड़बर्न्स पूरे था, तो हमें काफ़ी टाइम लग गया आने में। और हॉल माशाल्लाह बहुत अच्छा था, अंदर से भी मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करा देता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा हॉल था और वलीमा बहुत अच्छा किया। मैं आते ही साथ ही दुल्हन की एंट्री हो गई, तो दूल्हा दुल्हन एंटर हो रहे थे और उनके लिए वो लाइट होती है वो चला दी गई थी। तो ये हमारे साथ खुज़ैमा है, इन्होंने हाथ हिलाया लेकिन लाइट में अच्छे नहीं आ रहे थे कि कासिम है, तो मैंने उनसे कहा इधर आ जाओ ताकि क्लियर नज़र आए पिक्चर। तो कासिम इधर आया, कासिम हेलो हाय, और फिर हमारे साथ आ गए मुस्तफ़ा डॉन और ये हूँ मैं। कैसा लग रहा हूँ मैं अभी आपको आगे पिक्चर भी दिखा देता हूँ, फुल पिक्चर, और इंस्टाग्राम पर भी जाके आप लाजमी देखिएगा। हम देख रहे थे कि शीशे में नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। दूल्हा दुल्हन के ऊपर स्नो की बारिश की जा रही है और वो अम्ब्रेला लेके खड़े हुए हैं क्योंकि बारिश हो रही है ना स्नो की। तो खैर इधर मेहमान सारे बैठे हुए हैं, बाकी आपको आगे सारे पिक्चर्स दिखाते हैं हम अपनी। ये पिक्चर स्टार्ट हो रही है, ये बिलाल और मैं, और ये हैं सलमान अंकल हमना खाला के हस्बैंड, और ये फैजी मामू की फैमिली, और ये बिलाल मैं शहरी, और ये हैं हम बच्चा पार्टी मामू के साथ, फैजी मामू के साथ, और नानू के साथ तो पिक रह ही गई, तो नानू के साथ भी। ये देखें ना, ये हमारी एक आपकी हैं, उनकी बेटी है सबा आपकी, उनकी बेटी प्रिंसेस बन के आई हुई है और ये मुझसे कह रही है पापड़ लेके दो मुझे, तो आप पापड़ इसने थारा तोड़ दिया, इसे दरवाजा नहीं खोलता। तो इसके बाद मैं आपको मिलवाता हूँ फैजी मामू की डॉल के साथ, देखें कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो अब हो गया है खाने का टाइम, खाने में कोरमा था, रशियन सैलड था, बहुत सारी डिशेस थी। तो ये जो अब मेरे साथ बैठ के दो उंगलियाँ दिखाएगा ये है रिश्ते में मेरा मामू। इस तरह के बहुत सारे बच्चे मेरे मामू लगते हैं, यानी कि मामा के कज़न बहुत सारे छोटे छोटे हैं। तो ये है खुज़ैमा और ये चिड़ी जितना खाना खाता है, और बाकी अब आपको आगे दिखाते हैं कौन कौन बैठा है हमारे साथ टेबल पर। फाद बैठा है, जोएब बैठा है, सलमान अंकल, फैजी मामू, रोहान, आलिया सारे बैठे हुए, देखो कौन किस तरह खा रहे हैं। तो ये था छोटा सा ब्लॉग, आप सबने जैसा कि देखा ही है, तो बाकी अब ये करते हैं कि अब घर चल के आप लोगों से मिलते हैं, वही छोटी मोटी रस्में होती हैं जैसे सबके घर में होती हैं। बाकी इंशाल्लाह अब मिलेंगे नए ब्लॉग में आगे जब वीडियोस वगैरह बनाने जाएंगे। तो बाय, टेक केयर, अब घर जाके फिर आपसे ब्लॉग एंड करते हैं जी गाइस। तो वलीमे का ब्लॉग इसी दिन एंड करते हैं, नेक्स्ट डे आ गया है, तो अगले दिन मैं ऑफिस आया हूँ, तो ये ब्लॉग अब मैं इधर ही एंड करता हूँ। अब ये ना समझ बैठना कि मैंने वही शर्ट पहनी हुई है तो मैं बारात वाले दिन ही ये क्लिप बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं वीडियो बना रहा था तो इसके लिए मुझे ब्लैक शर्ट की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने ब्लैक शर्ट पहनी और इसमें ज़रा समेक्सी लुक आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसी में ब्लॉग एंड करते हैं। तो दूसरा अब ये काम है कि अल्लाह पाक हमारी बहन को खुश रखे, आबाद रखे, अपने घर में सदा सुखी रहे वो अपने घर में। और छोटा सा वलीमे का ब्लॉग बनाया क्योंकि वलीमे का आपको पता ही है कि लड़के वालों की तरफ से होता है, और लड़के वाले फिर रहे थे इतने ज़्यादा कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, फिर मुझसे ब्लॉग इतना ज़्यादा बना नहीं गया जितना बना वो आपके सामने है। तो इस व्लॉग को करते हैं इधर ही एंड। आई होप आप लोगों को शादी की सीरीज़ अच्छी लगी होगी, यानी मेहंदी, बरात और वलीमे के तीनों व्लॉग अच्छे लगे होंगे, और कमेंट में लाजमी बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह आगे भी व्लॉग बनाएंगे, आगे एंजॉय करेंगे, वीडियोस बनाना जाया करेंगे, तो व्लॉग बनाया करेंगे अब इंशाल्लाह, और आगे लाइफ बड़ी मज़ेदार होने वाली है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी अपने नसीब के लिए भी अच्छी सारी दुआ किया करो, और भाई के लिए भी दुआ किया करो कि अल्लाह पाक भाई को कामयाबी दे जल्द से जल्द, और ज़्यादा कामयाबी दे। अल्लाह का शुक्र है जितना भी है, बहुत बहुत अल्लाह पाक का शुक्र है, लेकिन और ज़्यादा कामयाबी दे। बाकी इंशाल्लाह चलते हैं, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इस व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।